The time period of a mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into four equal parts and the same mass is suspended from one of the part, then the new time period will be. So we know that time period of a spring is T is equal to 2 pi under root of m by k. तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है एंड जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो देखो ये KL L के बीच का रिलेशन क्या होता है, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L. नाउ उसने क्या बोला है कि दिस स्प्रिंग इज कट इन फोर इक्वल पार्ट्स, मतलब लेंथ कितना हो गया अभी हर एक पार्ट का L by 4. तो ये L by 4 जब लेंथ है तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K डैश है, तो k डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l बाय 4, मतलब ये 4 बाय l आएगा. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k, बिकॉज m तो कांस्टेंट है. तो अभी ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर t2 बाय t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1 बाय k2 आ जाएगा. एंड k तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l है ना, तो ये क्या होगा, देखो k1 का वैल्यू 1 बाई एल है एंड के टू का वैल्यू 4 बाई एल है, एल एल कैंसिल हो गया. तो टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 बाई 4, मीन्स टी टू इज इक्वल टू क्या होगा, टी वन बाई टू, दैट इज टी बाई टू, मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट.